92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। नतेभ्य सर्वदा चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। ओम। अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए नवरात्रों में अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि की जाती है। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात सिद्धासन में, पद्मासन में बैठकर मंत्रों का जाप आदि करते हैं। उपासना के लिए कई भक्तों को मैंने देखा है कि वो विविध प्रकार से अपने को रोकते हैं, जैसे बाल काटना, नाखून काटना, मांसाहार ना करना या एकदम सात्विक रहना। इसके साथ अपने और भी जितने कर्म होते हैं उनको भी रेस्ट्रिक्टेड करते हैं। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है और देवी के मंडपों में आज माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। कुष्मांडा अर्थात पूरा जगत जिनके पैरों में है। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में कुष्मांडा माँ की जय बोलते हुए आज के दिन आपका स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ये सुबह, ये नवरात्र आपको अत्यंत शुभ जाए। आज 31/3/2017 शुक्रवार है आज, और चंद्रमेश राशि में सुबह 12:31 तक, उसके बाद वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र है भरणी, सुबह 7:05 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। विनायक चतुर्थी है आज, मतलब माँ के बेटे की, गणेश जी की चतुर्थी है। सूर्य रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 12:40 पर। आज के मुहूर्त हैं सुबह 8:08 से लेकर 9:40 तक लाभ, सुबह 9:40 से लेकर सुबह 11:11 तक अमृत, और दोपहर 12:43 से लेकर दोपहर 2:14 तक शुभ। आती हूँ थोड़ी देर में माँ कुष्मांडा की जानकारियाँ लेकर आपके इस नवरात्र को और ही ज़्यादा पावन और शुभ बनाने के लिए। तब तक बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर, और आप सुनेंगे मेष से लेके मीन राशि तक का भविष्य भी। माँ का नाम हो और भवानी का नाम ना हो, कालिका का नाम ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। माँ काली अपने स्वरूप के लिए जानी जाती हैं और उनके विविध प्रकार के मंत्रों से साधना की जाती है, जैसे ओम एंग्रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे या ओम महाकालिकाय दिव्य नमः। आइए हम भी जाप करते हैं और इस दिन को और मातामय बनाते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांड देवी के स्वरूप की उपासना होती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की, अतः ये सृष्टि की आदि स्वरूपा आदिशक्ति माँ है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है, वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में भी सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ का स्वरूप बता रही थी मैं कामिनी खन्ना कुष्मांडा देवी का स्वरूप। चतुर्थ नवरात्र की आपको बहुत 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 ढेर सारी बधाइयां। और बस अब सुनते हैं मेष से लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य सहर कार्यक्रम में। चंद्र मेष राशि में है अभी बने हुए हैं और नक्षत्र है भरणी। मेष राशि, नक्षत्र भरणी हो गए तो आज आपको फल मिलेगा पैसे का। आज चंद्रमा आपके लिए पैसा लाते हैं, क्योंकि अपने से द्वितीय भी जाएंगे अभी ये थोड़ी ही देर में,
12 बज के 31 मिनट के बाद आपके परिवार में खुशी छाएगी और पैसा भी आएगा आपके लिए। वृषभ राशि, लग्न में बन जाएंगे चंद्रमा आपके और उसके बाद 12:30 के बाद आप बहुत अच्छा फील करेंगे, एकदम अपनी पर्सनालिटी को उजागर फील करेंगे और साथ में जो विरोधी आपके आपको विरोध कर रहे हैं वो भी खत्म होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए चंद्रमा वृषभ में आकर प्रेमी मिलन का दिन बनाते हैं और साथ ही में आपको विदेश यात्रा से रिलेटेड कोई अच्छा समाचार दिलाते हैं, तो बस अभी आपको खर्चे के लिए भी तैयार रहना है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए चंद्रमा अब लाभ स्थान में आते हैं, आपको आपकी माता से लाभ होता है, कोई पैतृक संपत्ति से लाभ होता है और साथ ही आपकी माता के साथ आपके संबंध आपको सुधारने चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए चंद्रमा दशम में आकर उच्च के आपको पैसे से रिलेटेड कारोबार कराते हैं, आपको कोई ऐसा जो बैंकिंग से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कारोबार है उसमें सफलता मिलती है और इसमें आपके पिता आपका साथ देते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आज भाग्य से रिलेटेड अच्छी खबर मिलती है और आपके बड़े भाई बहन इसमें आपका बहुत सपोर्ट करते हैं, आप यात्रा पर निकलते हैं और यात्रा भी आपकी बहुत ज्यादा सफल होती है, आज आप बहुत खुश हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशि भविष्य, आती हूँ थोड़ी देर में एक बार फिर बताने के लिए आपको तुला से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य और माँ कुष्मांडा की चर्चा करने, तो बने रहिए मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। और सुनिए, माँ काली की चर्चा की थी हमने, तो माँ काली का ही चालीसा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर, कामिनी खन्ना के साथ। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं, इनकी भक्ति से आयु यश बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत आराम से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय माँ कुष्मांडा की। मैं कामिनी खन्ना आज नवरात्रि के चतुर्थ दिन की आपको फिर से एक बार बधाई देते हुए बता रही हूँ आपको तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। तुला राशि के लिए अष्टम में बन जाएंगे चंद्रमा, दोपहर 12:30 के बाद आपको कोई हेल्थ का इलाज मिलेगा अच्छा सा और आप जो बड़े परेशान होंगे महीने भर से वो परेशानी दूर हो जाएगी आपकी, आपके जो पैसे से रिलेटेड जो कारोबार थे उसके भी विषय में कोई सूचना मिलेगी लेकिन वर्कआउट बाद में होगा। वृश्चिक राशि के लिए आज चंद्रमा सप्तम में बनकर आपको अपने स्पाउस या पार्टनर से फायदा दिलवाते हैं और साथ ही उनकी अगर आप बात सुने, वो आज बड़े सुंदर भी दिख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा घुमा फिरा लाइए और साथ में आप उनको गिफ्ट भी लेके दीजिए। धनु राशि के लिए आज जो है चंद्रमा षष्ठ में बनकर आपको विरोधियों से साथ दिलवाते हैं, ऐसा कभी कभी होता है कि विरोधी भी आपका साथ दें और साथ ही आपको लोन लेना है अगर और या लोन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। मकर राशि के लिए आज चंद्रमा आपके पंचम में बनकर आपको अपने बच्चों से बहुत सुख दिलवाते हैं, वो आपकी बहुत ज्यादा खुशामद करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, पैसा भी आता है आपके घर में और आप आज के दिन बहुत कूल हो जाते हैं। कुंभ राशि के लिए आज का दिन आपकी माता की सेहत के लिए अत्यंत उत्तम, कोई अगर कोई तकलीफ जिनको पता नहीं चल रही थी वो पता चल जाएगी, इसके साथ ही वो आपका बहुत साथ देती हैं आपके विरोधियों से ऊपर आने के लिए भी और आपके कार्य के लिए भी। मीन राशि के लिए आज चंद्रमा आपके उच्च के बनकर आपके बच्चों से आपको बहुत फायदा दिलवाते हैं, वो शायद आज आपको यात्रा पर ले जाने की बात करें और वो शायद आपके भाग्य से रिलेटेड आगे बढ़ने की भी बात आपके साथ आज करें, उनसे सुख की प्राप्ति होने वाली है आपको। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य, आती हूँ थोड़ी देर में फिर एक ग्रेट ग्रेट चौंकी जागरण भजन गायक के साथ जिनका नाम है श्री लखा जी और जो अपने दम खम वाली और सुस्वरों में आपको बहुत कुछ बताएंगे, बहुत सारी जानकारियाँ देंगे, बने रहिएगा मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। और अभी तो फिलहाल सुनिए काली की ही आराधना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर, कामिनी खन्ना के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में बनेंगे लखा जी,
जो कि बहुत बड़े गायक हैं चौंकी और जागरण के। आप उनके स्वरों से कई बार सरोबार हो चुके हैं माँ की भक्ति में, और हम उनका धन्यवाद करेंगे कि सहर कार्यक्रम में हमारे साथ आज वो बनेंगे। नमस्कार करती हूँ लखा जी आपका सहर कार्यक्रम में। नमस्कार जी, जय माता दी। जय माता दी। मैं कामिनी खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। शुक्रिया जी। लखा जी, आप चौंकी और जागरण के हीरो माने जाते हैं। जितने ऊंचे स्वर में आप गाते हैं और जिस प्रकार की गायकी और जिस प्रकार का दम, वो देखते बनती है। आप मुझे एक बात बताएं लखा जी के, क्या आप बचपन से ही चौंकी की तरफ आपका रुझान था या कोई और कारण रहा माँ के सेवा में आने का? नहीं मैम, बचपन से ही शौक तो बचपन से ही थी, और मिडिल स्कूल तक हमने लता जी का एक बहुत बढ़िया गीत था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अच्छा। इसको मिडिल स्कूल में मैं प्रार्थना के रूप में गाता था, मेरी मास्टरों ने शुरुआत कराई। अच्छा। तो फिर मिडिल स्कूल में पढ़ते पढ़ते वो मिडिल स्कूल सेवन तक तो मैंने इस प्रार्थना को गाया बच्चों के साथ में। फिर मैं आरडी टाटा हायर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया जी, तो उसमें मेरे को मौका मिला, स्कूल का एनुअल डे था, तो मैंने मेरा रंग दे बसंती चोला गाया, जो बहुत लोगों मास्टरों ने भी पसंद किया, हमारे क्लासमेट ने भी सब पसंद किया, तो मेरा हौसला बढ़ा जी। उस बीच में हमारे घर के एक तरफ गुरुद्वारा साहिब था, एक तरफ में राधे कृष्ण जी का मंदिर था जी। तो सुबह कभी गुरुद्वारा में कभी राधे कृष्ण जी के मंदिर में भजन वगैरह गाते थे, और गाते गाते हौसला बढ़ा। ये जो चौंकियां होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा दम, हम खड़े रहना, लोगों को पैप अप करना और गाना, और उसके बाद सारी रात कभी चौंकी कभी जागरण, और इसके बाद थकावट और टांगे आपकी, इतने देर खड़े रहना, धन्य है धन्य है। आप कैसे कर पाते हैं सब? नहीं मैडम, ये देखिए, ये सब माता रानी ही शक्ति देती है। इसमें मैं समझता हूँ कि मैं तो जब गाता हूँ मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ रहता है, और मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा गा सकूँ, माँ तुम्हारी महिमा तुम्हारा गुणगान ठीक से कर सकूँ। सब माता रानी की कृपा है, हम तो अपने आप को ऐसा कुछ हमारे अंदर खास नहीं है। अभी मैंने एक भजन रिकॉर्ड करवाया है, बहुत अच्छा भजन है। 84 घंटे बज रहे माँ के द्वारे, 84 घंटे बज रहे माँ के द्वारे, सोने के कलशे सज रहे माँ के द्वारे, सोने के कलशे सज रहे माँ के द्वारे, 84 घंटे बज रहे माँ के द्वारे। वाह, दिल तो कर रहा है कि ढेर सारी तालियां मैं बजाऊं, और समझिए कि मेरे श्रोताओं के दिल में ढेर सारी तालियां बज रही होंगी। बने रहेंगे हम आप ही के साथ, फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। आप सुन रहे थे श्री लखा जी, प्रणाम करती हूं आपको, और फिर एक बार आपसे मिलूंगी। जय माता दी, जय माता दी। जब माँ का नाम होता है तो शरीर में शक्ति का संचार होता है, जैसे कि ये माँ के गुणगान करने वाले हमारे बीच जो हीरे मोती हैं, लखा जी जैसे, चंचल जी जैसे, उनके शरीर में भी शक्ति का संचार होता है। इसी शक्ति माँ की आरती गाते हैं हम, माँ काली की आरती गाते हैं हम।